जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छे एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। तो इसी सीरीज में अगली वीडियो जो है वो मैं लेकर आई हूँ, और जो हम खाते हैं वो हम होते हैं, इज द वे सिक्स। और इंसान जो है खाने से ही बनता है, क्योंकि बिना खाने तो आप रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हो, भोजन के बिना नई लाइफ भी नहीं लाई जा सकती है। तो भोजन वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है भोजन। तो मैंने सनातन का जो शुरुआत की है, सनातन को कोड डी कोड करने की या लॉजिक फिगर आउट करने की, वो वहीं से शुरू किया है और नेचुरली वहीं से शुरू हुआ है। तो आज हम बात करेंगे ऑन द नेक्स्ट लेवल सात्विक, तामसिक और राजसिक की। कहां से आया? यूजुअली हम एक्चुअली राजसिक के बारे में तो सोचते ही नहीं, हम सात्विक और तामसिक के बारे में ही सोचते हैं, और जो हम समझते हैं सात्विक और तामसिक के बारे में यूजुअली रिलेटेड टू भोजन। नहीं, इट इज नॉट राइट, ये वो सही नहीं है। और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हम कोई नहीं जानते हैं, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हो तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू नो। एंड जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी आज, दिस इज बेसिकली बेस्ड अपॉन डाउनलोड्स, रिसर्च, सम वॉचिंग ऑफ सम थिंग्स। एंड ये कुछ चीजों को देखकर, कुछ चीजों को, कुछ मेरे डाउनलोड्स हैं, कुछ रिसर्च है। और अगर आप इससे अग्री करते हो, अमेजिंग। अगर आप नहीं भी करते हो, यू आर स्टिल रिस्पेक्टेड, योर व्यू इज स्टिल रिस्पेक्टेड। आपके व्यू को मैं फिर भी इज्जत करती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी आपको लॉजिकली चीजों को समझाने की। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप लॉजिकली चीजों को समझने, अपने ओपन माइंड से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब वक्त को बदलना है और हमें भी बदलना है। तो आज हम बात करेंगे सात्विक, तामसिक और राजसिक की, कि ये कहाँ से आया और ये क्या है। तो जब आप इनकी बात करते हो तो आपको जाना पड़ता है वापस गीता में। गीता में जब श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, जब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि इंसान जो है किससे बना है। तो पंचतत्व की बात हुई। जब पंचतत्व से सब बने हैं तो क्या उनको अलग करता है, तो गुणों की बात हुई। तो उन्होंने बताया कि तीन तरह के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और यही तीन गुण जो हैं वो इंसान को बनाते हैं और इंसान को मिटाते हैं और उसकी जिंदगी को चलाते हैं। अब ये तीन गुण क्या हैं, ये समझना जो है सबसे पहली की है, ताकि हम अगले स्टेप पे जा पाए। तो सबसे पहला गुण जो है सात्विक। अब सात्विक गुण क्या है? सात्विक का मतलब है जब इंसान जो है वो पूरी तरह से बैलेंस में होता है, संतुलन होता है, उसका दिमाग संतुलित होता है, उसकी जो सोच है वो संतुलित होती है, वो अपने आप के साथ शांत में होता है, अपने आप के साथ खुश होता है, अपने आप के साथ आराम में होता है, वो दुनिया को समझ सकता है, उसके अंदर अच्छा और बुरा समझने की ताकत तो है, लेकिन वो उसको निर्णय या न्याय की दृष्टि से नहीं देखता है, वो खुद न्यायाधीश नहीं बन जाता है, वो चीजों को जस्ट फ्लो होने देता है, वो कंप्लीटली सरेंडर की एनर्जी में है, कंप्लीटली उसने डिवाइन को, भगवान को, सोर्स को, जिसको भी समझो, उसने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, वो बिल्कुल एक फ्लो के साथ समझता है, चलता है और हर चीज को समझता है। तो वो प्योर एसेंस है, सात्विक जो है वो प्योर एसेंस है, जिसमें आप ऊर्जा को समझते हो, जिसमें आप संतुलन को समझते हो, जिसमें आप कंप्लीटली सरेंडर्ड हो, आप कर्म करते हो लेकिन फल की चिंता नहीं करते हो, और आप उस रास्ते पे, अपने कर्म के रास्ते पे पूरी तरह संतुलित होकर चलते हो, वो है सात्विक। अब आते हैं दूसरे पे जो है राजसिक। अब राजसिक क्या है? राजसिक है जब आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, आपके अंदर सोचने समझने की ताकत है, पर आपका अहम बहुत बड़ा है, आपकी ईगो, आपका अहम इतना बड़ा है कि उस क्षमता के होते हुए भी आप सोच समझ के सही निर्णय जो है वो नहीं ले सकते हो, क्योंकि उस समझ के ज्यादा ऊपर जो है अहम आ जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप असंतुलित हो, क्योंकि आप में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, बहुत ज्यादा पैशन है, इतनी ऊर्जा है कि वो ओवर हो गई है। आप एक जगह आराम से बैठ नहीं सकते हो, आप 2 मिनट आराम से सांस नहीं ले सकते हो, आप अच्छे से सो नहीं सकते हो, आपकी थॉट्स जो है आपके दिमाग में जो चलती रहती हैं चीजें, विचार, वो बंद ही नहीं होते हैं, वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, आपको अभी ये करना है, अभी वो करना है, आप एक जगह पे फोकस नहीं रह पाते हो। और उस असंतुलन के कारण क्या होता है, या उस बहुत ज्यादा ऊर्जा के कारण क्या होता है, कि अल्टीमेटली आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हो जहां पे मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, और वो जो ऊर्जा है उसको बोलते हैं राजसिक। अब जब तीसरी ऊर्जा में हम जाते हैं, जो एक्चुअली सबसे खराब है, उसको बोलते हैं तामसिक। अब तामसिक ऊर्जा क्या है? तामसिक ऊर्जा है, या तामसिक गुण, तमोगुण,
बेस्ट है जब आप बेसिकली या तो बिल्कुल ही खत्म हो, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है, आप बिल्कुल नहीं सोच पाते हो, आप बिल्कुल सुस्त पड़े रहते हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप डिप्रेशन वाली एनर्जी में हो, आप समझने की क्षमता आपकी खत्म हो गई है, या आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हो, या आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हो जिसमें ऊर्जा है आपके अंदर लेकिन सही गलत बिल्कुल नहीं समझ पाते हो, और जो आपको जैसे चला देता है आप वैसे ही चल जाते हो, तो कोई बोले जाओ उसको जला दो तो आप जला दोगे जाके बिना सोचे समझे कि इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या असर है, मैं सही कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, नहीं समझोगे, बिल्कुल नहीं उस पर ध्यान दोगे। वो है तामसिक ऊर्जा। तो तामसिक ऊर्जा को मैं अपनी भाषा में बोलूं तो ये है जड़ बुद्धि या बैल बुद्धि। तो इसका मतलब है कि या तो आप बिल्कुल जड़ हो, आप बिल्कुल हिलना नहीं जानते हो, आप बिल्कुल पड़े हुए हो एक ही जगह पे फुल लेजीनेस में, और दूसरा है बैल बुद्धि, इसका मतलब है कि जहां देखा टक्कर मार दी विदाउट रियलाइजिंग के उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किसी और पे असर क्या होगा, आप पे असर क्या होगा। तो ये जो तीन गुण हैं तामसिक, सात्विक और राजसिक, यही गुण हमें बनाते और हमें बिगाड़ते हैं, और हम में से हर एक में ये गुण प्रेजेंट होते हैं। लेकिन तामसिक राजसिक एक साथ हो सकते हैं, राजसिक सात्विक थोड़ा बहुत एक साथ हो सकता है, बट सात्विक और तामसिक एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये जो तीन गुण हैं इन्हीं के आधार पे फिर भोजन वाला जो पार्ट है वो आया है, और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आया है। मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे डिवाइड किया गया सात्विक तामसिक और राजसिक भोजन को। हमें राजसिक तो पता ही नहीं है, ज्यादातर लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते, तामसिक भोजन सात्विक भोजन बस यही बोलते हैं, और राजसिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और दूसरा कि तामसिक के बारे में जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपके दिमाग आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप इतना तामसिक भोजन खा रहे थे और आपके शरीर में इतनी तमस है। और वक्त है क्लिनजिंग का, वक्त है अपने आप को बैलेंस करने का, तो ये समझना भी जरूरी है। दूसरा, मैं एक होमवर्क आपको देने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक होमवर्क दूंगी और ये बताऊंगी, और फिर अगली वीडियो में जो भोजन है उस पर हम आएंगे, क्योंकि बेसिक गुण समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके बेस पे आपने क्या करना है, आपने अपने आप में और अपने आसपास के लोगों में रियलाइज करना है कि कौन से गुण सात्विक तामसिक और राजसिक में से कौन से गुण जो हैं वो ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, कौन से गुण हैं कौन से नहीं हैं, और अपने आप में भी देखिए, अपने आसपास के लोगों में भी देखिए, और शायद वहां से आपको समझ में आएगा कि क्या बदलाव लाना है, कैसे बदलाव लाना है। और वाकई ही अगर आप कृष्ण को समझते हो, या आप गीता को समझते हो, या आप सनातन को समझते हो, तो उसका एक्चुअल एसेंस क्या है और अपनी जिंदगी में उस एसेंस को कैसे लाना है, क्योंकि सिर्फ भक्ति करने से या मूर्ति रखने से या भगवान को खाना खिलाने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ना तो सनातन को समझ रहे हो ना उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। तो ये सिर्फ सॉरी टू यूज दैट वर्ड, मतलब मैं लिटरली बोलूंगी ढकोसला, मतलब इससे कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने बोल दिया है, या आपको किसी गुरु ने, गाइड ने, बाबा ने, किसी ने बोल दिया है और आपको इससे बहुत फायदा होगा, या भगवान आपसे खुश हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गीता में कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो असली है, और अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा है और अगर आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप तामसिक एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि आप जड़ बुद्धि हैं, जैसे आपको किसी ने बोल दिया आप वो करते जा रहे हैं बिना उसका लॉजिक या बिना उसकी सच्चाई, अच्छाई और बैलेंस समझे। तो रियलाइज कीजिए कि आप तामसिक में हैं, सात्विक में हैं, या राजसिक में हैं। और मैं आती हूँ अगली वीडियो के साथ। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आपको ये वीडियोज लॉजिकल लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, या रेलिवेंट लग रही हैं थोड़ी भी, तो प्लीज एटलीस्ट 5 लोगों को अपने ग्रुप में, कहीं पे, किसी भी ग्रुप में, कहीं पे भी, एटलीस्ट 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और लाइक प्रेस कर दीजिए, वीडियो सर्चेबल होती है। और इंटेंशन बस इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंचे और उनकी आंखें ज्यादा से ज्यादा खुले, तो बस उतना सा हेल्प कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।